नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कंचफर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। और पहले टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है टेक्सटाइल, जो हमारे क्लॉथ होते हैं, जो हमारे टेक्निकल जो क्लॉथ होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टेक्निकल क्लॉथ क्या होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि NDMA के जो कर्मचारी हैं वो पहनते हैं ट्रैफिक वाले पैच क्लॉथ पहनते हैं। स्पेस के जो हमारे पास सूट होते हैं वो, मतलब कि ऐसा, और कोई सोल्जर वगैरह, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग मटेरियल वाले, तो इस प्रकार के क्लॉथ जो हमारी किसी हजार से क्या करते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं, उस प्रकार के टेक्निकल, उस प्रकार के जो क्लॉथ रहते हैं उनको हम टेक्निकल क्लॉथ बोलते हैं। और टेक्निकल क्लॉथ से संबंधित यूपीएससी के प्रीलिम्स में प्रश्न आ चुका है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इनको हम टेक्निकल क्लॉथ बोलते हैं। टेक्निकल का मतलब है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी रहती है जो हमको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं किसी भी हजार के अगेंस्ट, चाहे वो एनवायरमेंट की बात हो, चाहे वो एग्रीकल्चर संबंधित क्लॉथ हो, चाहे वो बिल्डिंग से संबंधित क्लॉथ हो, या फिर क्लॉथ टैक्स हो, या जियो टैक्स टैक्स संबंधित हो, होमो टैक्स, इंडो टैक्स, मेडी टैक्स, मोबाइल टैक्स, डेको टैक्स, पैक टैक्स, होप्रो टैक्स और स्पोर्ट टैक्स। तो इस प्रकार के हमारे पास, इतने प्रकार के हमारे पास क्या रहते हैं, टेक्निकल क्लॉथ रहते हैं, या टेक्निकल टेक्सटाइल रहता है। इसको हम कई अन्य प्रकार में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित हमने बोल दिया एग्रो टैक्स, बिल्डिंग से संबंधित होने तो हमने बिल्ड टैक्स बोल दिया, और सिंपल जो क्लॉथ रहते हैं क्लॉथ टैक्स बोल दिया, जियो टैक्स बोल दिया, होमो टैक्स बोल दिया। तो इस टाइप ऑफ क्या है, टेक्निकल क्लॉथ है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ टेक्निकलिटी होती है तो इसलिए क्या रहते हैं, इनको हम टेक्निकल क्लॉथ बोलते हैं। हो सकता है सॉफ्टवेयर से जुड़े हों, हो सकता है इनके अंदर कुछ ऐसे हार्डवेयर हो और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, वाईफाई से संबंधित चीजें इसमें हो, ठीक है। तो आज इस प्रकार की चीजों को हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल क्लॉथ बोलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने क्या किया है, कुछ गाइडलाइन इशू की है टेक्निकल टेक्सटाइल से संबंधित। और ये जो टू गाइडलाइन है वो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन से संबंधित है। ये मिशन क्या करता है, टेक्निकल क्लॉथ के डेवलपमेंट और उनके प्रोडक्शन और उनके एक्सपोर्ट से संबंधित काम करता है, ठीक है। ये गाइडलाइन क्या करेंगी, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है टेक्निकल टेक्सटाइल से संबंधित काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, और उनमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी अगर स्टूडेंट होता है तो उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा टेक्निकल टेक्सटाइल के संदर्भ। तो इससे होगा क्या, जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसके संबंध में और भी अवेयरनेस बढ़ेगी, और जो स्टूडेंट हैं वो अपने इनोवेशन के माध्यम से और भी इसमें टेक्निकलिटी लेके आएंगे, जिसके माध्यम से इनका प्रोडक्शन होगा और हम वर्ल्ड में इसका एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। और इसके माध्यम से जो बी टेक के स्टूडेंट हैं, रिलेवेंट डिपार्टमेंट यानी कोई स्पेशलाइजेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट, उनको 20,000 पर मंथ का क्या मिलेगा, ग्रांट मिलेगा, ताकि इसके संबंध में काम कर सकें, ठीक है। टेक्निकल क्लॉथ को हमने पढ़ लिया है। मेनली क्या करते हैं, टेक्निकल परफॉर्मेंस करते हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस रहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण इनके फीचर्स रहती हैं, इसलिए इनको टेक्निकल क्लॉथ बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया है। अब सरकार नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लेके आई, जिसको 1480 करोड़ का बजट लेके आई। इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि हम रिसर्च, इनोवेशन और डेवलपमेंट का काम करेंगे टेक्निकल क्लॉथ टेक्सटाइल के संदर्भ में, प्रमोशन मार्केट का डेवलपमेंट करने की दिशा में काम करेंगे, एक्सपर्ट का प्रमोशन, एक्सपोर्ट से संबंधित प्रमोशन करेंगे, एजुकेशंस देंगे, ट्रेनिंग देंगे, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित काम करेंगे, ताकि जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसके संदर्भ में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा दे सकें,
और कम से कम 50,000 लोगों को हम क्या कर सकें, स्किल ट्रेनिंग उपलब्ध करा सकें ताकि वो टेक्निकल टेक्सटाइल को और डेवलप कर सकें। हाई टेक्निकल एजुकेशन फॉर टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल के संदर्भ में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बढ़ावा दे सकें। जियो टेक्सटाइल, एग्रो टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल, और इसके संदर्भ में हम क्या करें, फंडामेंटल जो बेसिक रिसर्च है उसको बढ़ावा दें ताकि हमारे संदर्भ में जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस इक्विपमेंट स्पेस मिशन के संदर्भ में इस प्रकार की चीज़ें काम आए। तो इस प्रकार की चीज़ें बात की गई नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत। इंडियन जो टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट का साइज है 18-19 में 16 बिलियन डॉलर के आसपास था। सरकार ने कहा है कि 23-24 तक इसको 40 बिलियन डॉलर के आसपास लेके आएंगे और इसके लिए हमें 10% पर एनम की एक्सपोर्ट ग्रोथ हमको रजिस्टर करनी पड़ेगी, तभी हम इस प्रकार की चीजें कर पाएंगे। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हमने बेसिक से पढ़ा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा एक चर्चा में है, अब हमारे देश में फॉरन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश होने की दिशा में हम अग्रसर बढ़ रहे हैं और इसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक ड्राफ्ट तैयार कहा किया है और उसको जारी किया है ताकि हम पब्लिक कमेंट दे सकें और आप भी उसमें अपना पब्लिक कमेंट दे सकते हैं। अपने ड्राफ्ट को क्या किया है, अनवील्ड किया है, तो इस चर्चा का विषय है। और इसको ड्राफ्ट को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अकॉर्डिंग बात करने की कोशिश की है ताकि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को और बढ़ावा दे सकें। ठीक है, इसकी कुछ मेन मेन फीचर हैं वो हम पढ़ लेते हैं, मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। अप्रूवल फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अगर इंडिया में अपना कैंपस सेटअप करना है, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, येल यूनिवर्सिटी हो गई, बर्गिंगम यूनिवर्सिटी होगी और अन्य प्रकार की जितनी भी फेमस इंस्टीट्यूशन है, अगर उनको अपना कैंपस इंडिया में सेटअप करना है तो EGC से उनको क्या करना पड़ेगा, परमिशन देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इस प्रकार की कई पहले भी EGC कई गाइडलाइन लेके आई लेकिन कई लोगों ने विरोध किया तो इस प्रकार से नहीं हो गई, तो एक बार फिर से EGC एक ड्राफ्ट लेके आई है और इस पर चर्चा का विषय बन गया है। तो अगर फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अगर इंडिया में अपना कैंपस सेटअप करना है तो पहली बात तो है कि उसको EGC से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। और एलिजिबिलिटी क्या है, केवल वो ही आ सकते हैं जो फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो क्या हो, रेपुटेड हो और इनकी टॉप में 500 के आसपास क्या हो, रैंकिंग हो, तो वो अपना कैंपस इंडिया में सेटअप कर सकते हैं। और उन्होंने एक बात और कही है कि ये केवल फिजिकल मोड में अपनी टीचिंग कर सकेंगे, ऑनलाइन मोड में इनको अलाउ नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, ऑटोनॉमी की बात की है, ऑटोनॉमी में इनने कहा है, कुछ ऑटोनॉमी दी गई है इस ड्राफ्ट में, कहा गया है कि आप अपनी फीस को डिटरमाइन करने के लिए ऑटोनॉमी है, आप अपने फीस के स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन इसमें चिंता की बात यह है, अगर ये अपनी फीस को स्ट्रक्चर अपनी सुविधा के अनुसार तैयार करेंगे तो अपनी फीस को क्या करेंगे, अधिक से अधिक रखेंगे, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूट है। समाज कल्याण से, लोक कल्याण से, वेलफेयर स्टेट से इनका कोई नाता नहीं है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, फॉरेन MNC प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूट भी प्रॉफिट के लिए काम करेंगे तो अधिक से अधिक फीस पड़ेंगे। और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे धनी व्यक्ति हैं वो इसमें पढ़ने के लिए तत्पर रहेंगे तो वो किसी भी प्रकार की फीस भर सकते हैं। लेकिन बात आती है उस वंचित वर्ग की, क्या वो फीस इस प्रकार की अफोर्ड कर सकता है, क्या हम इक्विटेबल एजुकेशन उसको उपलब्ध करा पाएंगे इस इंस्टीट्यूशन में, क्या हम इंक्लूसिव एजुकेशन उनको उपलब्ध करा पाएंगे, क्या अफोर्डेबल एजुकेशन उपलब्ध करा पाएंगे। अगर हमने उनको ऑटोनॉमी दे दी तो वह अपनी मनचाही सुविधा के अनुसार फीस स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और बड़े बड़े जो धन संपत्ति वाले लोग हैं वो केवल ही इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी ऑटोनॉमी इनने दी है कि फैकल्टी को ये चूज कर सकते हैं और फैकल्टी को अपने अनुसार
अपनी क्राइटेरिया के अनुसार सैलरी दे सकते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार आपको सैलरी देने की बाध्यता नहीं है, अभी कुछ पे स्केल हैं तो उसके अनुसार आप सैलरी नहीं देंगे। और आप अपनी फैकल्टी को इंडिया से भी ला सकते हैं, अब्रॉड से भी ला सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या ये है कि फॉरेन अगर इंस्टीट्यूट है तो अधिक पैसा देंगे लोगों को। तो हमारे जो पब्लिक सेक्टर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, जो अच्छे अच्छे IIT NIT में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे क्या गवर्नमेंट के अनुसार उनको सैलरी मिलती है, फिक्स सैलरी मिलती है? अगर ये इनके ऊपर सैलरी की बाउंडेशन नहीं है तो ये क्या करेंगे, अपनी अच्छी सैलरी लेंगे, और हमारे जो IIT NIT सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अच्छे प्रोफेसर्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे जैसे। तो इस प्रकार की चिंताएं हैं, तो हमारे जो पब्लिक IIT वाले इंस्टीट्यूशन हैं वो क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, उनका आउटपुट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो उनमें कौन पढ़ाएगा, तो ये भी एक चिंता है। दूसरा, सिलेबस डिजाइन करने के मामले में इनने ऑटोनोमी दी है और कहा है कि आप अपने सिलेबस को डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं पढ़ाएंगे कि आपके नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। किसके अगेंस्ट हो? राष्ट्रीय हित के अगेंस्ट हो। तो बाकी चीजें डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन है कि नेशनल इंटरेस्ट, आप ऐसा कुछ नहीं पढ़ाएंगे जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, बल्कि राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हो, हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खिलाफ हो, समाज में द्वेष भावना स्पष्ट करता हो और इस हमारी बंधुता को खत्म करता हो, हमारी विविधता पे नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट डालता हो, तो इस प्रकार का आप चीजें नहीं पढ़ाएंगे। आप केवल वो ही पढ़ाएंगे जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, बाकी आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। तो सिलेबस बनाने के मामले में इनने ऑटोनोमी दे दी है, और ऑटोनोमी दी है किसमें, प्रॉफिट के मामले में। प्रॉफिट मान लो इनने प्रॉफिट कमाया इंडिया में, और इनका जो मेन हेड क्वार्टर वाला जो ब्रांच है वो मान लो, मान लेते हैं यूके में है, तो अपने प्रॉफिट को ये शिफ्ट कर सकते हैं कहाँ, यूके में। तो इसमें ऑटोनॉमी दी गई है। तो इस प्रकार की चीजें इसमें दी गई हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि अपना जो इनको स्टूडेंट की प्रोटेक्शन की बात की गई है कि आपको अगर कोई कोई कोर्स, कोई प्रोग्राम आपको डिसकंटिन्यू करना है तो आपको UGC से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारी बातें, और वर्किंग ऑफ फाइनेंस इनने कहा है कि आप क्रॉस बॉर्डर अगर मूवमेंट करेंगे फंड का तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1919 के तहत होगा, और आपकी जो डिग्री होगी वो कंट्री ऑफ ओरिजिन के समान होगी, कोई उसमें भेदभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार की चीजें इनके द्वारा की गई हैं, तो ये हमने पढ़ा डिटेल में, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? ये बात यहाँ पे लिखी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक। दूसरा, कैबिनेट ने 12,882 की, 12,882 की करोड़ की नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए स्कीम को कंटिन्यूशन दी है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के तहत 2022-23, 25-26 तक इस मिशन को, इस स्कीम को आगे बढ़ाया गया है। इसमें नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम भी है जो कि 100% सेंट्रल फंडिंग है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, और इसमें फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त अदर स्कीम्स हम की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, PM डिवाइन बोलते हैं, 100% इसको फंड कौन करेगा, केंद्र सरकार, इसलिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। वहाँ पे बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। अदर स्कीम की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्री डेवलपमेंट स्कीम, नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड स्कीम, तो सारे जो स्कीम है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, तो इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा, ग्रीन अर्बन ऑसिस प्रोग्राम चर्चा में है, इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, एक रिपोर्ट लॉन्च की जिसका नाम था अर्बन फॉरेस्ट्री, अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राई लैंड। तो इन्होंने कहा है कि 35% जो वर्ल्ड है वो लार्जेस्ट सिटी है वो ड्राई लैंड को बिल्ड करती हैं, जिसमें कायरा, मैक्सिको सिटी और नई दिल्ली शामिल हैं, और ये 2 बिलियन लोगों का होमलैंड है।
इनने इस प्रोजेक्ट के तहत कहा कि इसको 2021 में FAO के द्वारा लॉन्च किया गया, और FAO क्या करेगा, ग्रीन सिटी इनिशिएटिव लॉन्च करेगा, और जो भी ड्राई लैंड सिटी है उसको क्लाइमेट को टैकल करने के लिए हेल्थ, फूड, इकोनॉमी से संबंधित चैलेंज को दूर करने का प्रयास करेगा, और ड्राई लैंड सिटी को ग्रीन अर्बन ऑसिस में चेंज करने का प्रयास करेगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, जैसे पिछली बार प्रश्न आया था हैदराबाद से संबंधित, ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट नेशंस, इसको 19 अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिश किया गया, मेंबर्स 197 है, हेडक्वार्टर रोम इटली में देखने को मिलेगा, और ये हंगर न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी के बारे में काम करते हैं, ठीक है। 49 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहते हैं, और बाइनियल की कॉन्फ्रेंस होती है, तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अफ्रीकन स्वाइन फीवर चर्चा में है, रिसेंटली मध्य प्रदेश में कुछ केसेस देखे गए हैं 700 पिक्स के, और हाईली क्या है, ये कंटीजियस वायरल डिसीज है, और इनकी 100% तक क्या रहती है, मोर्टालिटी तक रहती है। डोमेस्टिक वाइल्ड पिक में आपको देखने को मिलता है, और इसके अगेंस्ट अभी तक कोई वैक्सीन का निर्माण नहीं हुआ है, ऐसा कोई अभी तक स्टडी नहीं आई है कि ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस है, ठीक है। लेकिन ये इफेक्ट करता है कहाँ पे, फार्मर इकोनॉमी को, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। रेजिस्टेंट इन द एनवायरमेंट में, रेजिस्टेंट कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, क्लॉथ में, बूट्स में, व्हील में, अदर जो कोई पोर प्रोडक्ट रहते हैं उसमें आसानी से सर्वाइव कर सकता है, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा याद रखेंगे। दूसरा, इंडिजिनियस लाइव स्टॉक ब्रीड अभी क्या है, कुछ डेवलप की गई है, तो ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, और NBAGR के द्वारा कुछ स्पीसीज हैं, जैसे आप ध्यान रखेंगे गाय की आप देख पाएंगे परंथड़ी जो कि बफेलो से संबंधित है, ये आपको गाय से मिलेंगी, कथानी कैटल, सेंचुरी, मुसीलम कैटल, और गॉट की आपको सुजात, गुजरी, करौली, और आपको पिक्स की मिलेंगी वंडा पिक्स, मणिपुरी, ब्लैक पिक और बेक चंबल पिक, ठीक है। तो इनका आप नाम याद रखेंगे, आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि हाल ही में ये शब्द चर्चा में रहे, क्या है, किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे, ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। दूसरा, अफ्रीकन फॉल ब्रॉड डिसीज चर्चा में है, ये आपको हनी बी से संबंधित देखने को मिलेगी, इससे संबंधित कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। बैक्टीरियम पेनी बेसिलस से आपको क्या होता है, फैलता है, प्री पर्पल और पर्पल स्ट्रेस में आपको देखने को मिलेगा, इसका अभी तक कोई क्योर नहीं है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया से मेलिसिकोकस प्लॉटिनस से अदर प्रकार की डिसीज भी होती हैं जो कि यूरोप में हमको देखने को मिलेगी, ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखेंगे, किससे संबंधित, तो अब बता देंगे हनी बी से संबंधित है। पर्पल फेस्टिवल चर्चा में है जो कि गोवा में सेलिब्रेट किया जाएगा, और इसका जो मोटो है, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इज सेट टू बिगिन टुमारो, और जो डिसेबिलिटी पर्सन है उनको इंक्लूसिव रूप से शामिल किया जाएगा, उसके संबंध में बात की जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस, स्पोर्ट इवेंट, ग्रांट एग्जीक्यूशन, ठीक है, एक्सेसिबल मूविंग स्क्रीनिंग, डिस्कशन ऑन वाइटल सब्जेक्ट लाइक इंक्लूसिव एजुकेशन, टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट, इंडिपेंडेंट लिविंग के संबंध में बात की जाएगी, बस इतना याद रखेंगे। दूसरा, ईट राइट स्टेशन चर्चा में है, फसाई के द्वारा कल हमने पढ़ा भूख, आज हम पढ़ रहे हैं ईट राइट स्टेशन। जैसे हमारे देश में बहुत सारे स्टेशन हैं, तो फसाई क्या करता है, स्टेशनों को सर्टिफिकेट देता है, जैसे आप चंडीगढ़ को दिया गया है, ऐसे ही बहुत सारे स्टेशन हैं, 34 स्टेशन हैं जिनको सर्टिफिकेट दिया गया है, बिल्कुल स्वच्छ माने जाते हैं, हेल्दी फूड यहाँ पे मिलता है, इनको सर्टिफिकेट दिया जा चुका है कि आप यहाँ पे खाएंगे आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल स्वस्थ होगा, जैसे कि भोपाल और बनारसी कैंट को मिल चुका है, और ये फसाई के द्वारा दिया जाता है। फसाई क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, स्टेचरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है, और इसमें 240 पैरामीटर रहते हैं, अगर किसी स्टेशन को हमको ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट देना है, और इसमें 1 से लेकर 5 तक स्टार की रेटिंग मिलती है, ठीक है, तो इतना इतना आप याद रखेंगे।
फसाई क्या है, 2006 के एक्ट के तहत एस्टेब्लिश किया गया, इसलिए क्या है कि स्टेचरी ऑर्गेनाइजेशन से। दूसरा, कालाजार के जो केसेस हैं इंडिया में 2007 से, उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, और डिक्लाइन कितना हुआ है, 98.7% का हुआ है। 2007 में 834 थे, नहीं 2007 में 4533 थे, और 2002 में 834 के आसपास है। और भारत सरकार ने कमिटमेंट की है कि 2023 तक हम इसको एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे, और एलिमिनेट करने का मतलब है कि 10,000 केसेस पे एक केस से भी कम केस मिलना चाहिए, तब वो एलिमिनेट माना जाता है। कालाजर को बैसीरल्स लेस मेनियासिस नाम से भी जानते हैं, इसको कालाजर भी बोलते हैं, और ये प्रोटोजोआ पैरासाइट के माध्यम से फैलता है, लाइक सेंड फ्लाई के द्वारा, ठीक है। और ये क्या है, मलेरिया के बाद सबसे किलर क्या है पैरासाइट आपको देखने को मिलेगा। सिम्टम्स क्या है, आपको फीवर आएगा, आपका वेट लॉस होगा, आपको फटीग होगा, एनीमिया होगा, आपकी स्वेलिंग हो जाएगी लीवर और स्प्लीन में, तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आपको एंडेमिक देखने को मिलेगा, बांग्लादेश नेपाल इंडिया, बांग्लादेश भूटान नेपाल इंडिया में देखने को मिलेगा, 4 स्टेट बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक आपको इस प्रकार के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। कालाजार के संदर्भ में गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, नेशनल कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, तो इस बात को याद रखेंगे। दूसरा, ये हमने पढ़ ही लिया। दूसरा, तंजानिया चर्चा में है, तो तंजानिया का लोकेशन से याद रखेंगे, तंजानिया की सीमा उधर केन्या से लगेगी, इधर आपको युगांडा से लगेगी, इधर आपको रवांडा और बुरुंडी, ये छोटे छोटे डॉट जैसे देश हैं। तंजानिया सीमा किससे लगेगी, केन्या युगांडा रवांडा बुरुंडी, और लेक ऑफ विक्टोरिया की सीमा युगांडा केन्या तंजानिया से लगेगी, इधर आप मोंजाम्बिक से लगेगी तंजानिया सीधे, इधर जिम्बाब्वे से, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सीमा तंजानिया से नहीं लगेगी, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न रिफ्ट वैली बीच में लगती है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, डेनमार्क चर्चा में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2022 में कोई भी रॉबरी के केस नहीं देखे गए हैं, इसलिए चर्चा में था, इसलिए न्यूज में था, तो डेनमार्क आपको नॉर्थ सी में देखने को मिलेगा, इधर आपको बाल्टिक सी देखने को मिलेगा, तो ये हमको, ये इधर आपको यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलेगा, ये जर्मनी पोलैंड क्रेच रिपब्लिक बेल्जियम फ्रांस नीदरलैंड देखने को मिलेगा, नॉर्वे स्विट्जरलैंड स्वीडन फिनलैंड आपको उधर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, आज के डिस्कशन में इतना ही था, थैंक।